Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस नए कोर्स के साथ जिसका टाइटल है अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान और अपने इस कोर्स में हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान को किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में और अपने समाज में अपने जो भी हमारे आसपास जितने भी इस प्रकार के चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो इस प्रकार के जितने भी आयाम हैं उन सभी में किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो जानकारी है या जो मनोवैज्ञानिक जो शोध हुए हैं उनका किस प्रकार से उपयोग होता है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं इन सभी के बारे में हम अपने इस कोर्स में हम चर्चा करेंगे तो अपने इस कोर्स के पहले लेक्चर यानी कि जो पहला इसका हमारा आज का सत्र है उसमें हम आज चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसकी कुछ मूलभूत उससे जुड़ी हुई कुछ बातें व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में हम इस सत्र से इस बातचीत में समझने का आज प्रयास करेंगे और हमारे इस सत्र का जो शीर्षक है जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड साइकोलॉजी तो अपने इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो सबसे पहली चर्चा हम करेंगे वो करेंगे कि व्यवहारिक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और व्यवहारिक मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो साथ ही साथ ये समझना हमारे लिए एक आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से व्यवहारिक मनोविज्ञान को हम परिभाषित करें और उसकी एक ऐसी परिभाषा हम बनाएं या एक ऐसी परिभाषा तक हम पहुँचें जिससे हम उसकी एक बेहतर समझ बना सकें और इसमें आने वाली जो समस्या है मैं उससे भी आपको अवगत कराता हूँ जिस प्रकार से मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स हैं जो अवधारणाएँ हैं उनको जिस प्रकार से डिफाइन करने में एक समस्या आती है वही समस्या कहीं ना कहीं व्यवहारिक मनोविज्ञान के साथ भी आती है उसका कारण ये है कि ये इतना ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है ठीक मनोविज्ञान की ही तरह व्यवहारिक मनोविज्ञान भी एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और इसमें परिभाषित करने में कई बार ये समस्या आती है कि हम किस विषय वस्तु को छोड़ें किसको उसके अंदर रखें कहाँ पर फोकस करें और किस जो विचार हैं या जो उसके जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको हम इसकी परिभाषा में रखें और किन को बाहर करें यह समस्या अक्सर बनी रहती है परंतु उसके बाद भी विद्वानों ने एक मत हो करके कुछ परिभाषाएं हैं जिनको उन्होंने माना है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन यानी कि एक पूर्ण परिभाषा हम इसको मान सकते हैं जो कि हमारे लिए हमारी समझ को विकसित करने के लिए काफ़ी प्रभावशाली होती हैं इसमें जो एक डेफिनेशन है जो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा जो मैं आप, आपको यहां बताऊंगा वो डेफिनेशन है द प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर यानी कि जो हमारी साइकोलॉजिकल नॉलेज है जो मनोवैज्ञानिक जितना भी हमने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है शोध के द्वारा विभिन्न रिसर्चेस के द्वारा और इसी प्रकार के जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं इस क्षेत्र में जो विचार विमर्श हुए हैं उन सभी के द्वारा जो मनोवैज्ञानिक नॉलेज जो हमने इकट्ठा किया है उस सभी का जब हम इस्तेमाल करते हैं या जब हम उसका उपयोग करते हैं हम उसका जब प्रोफेशनल यहाँ पर आप देखेंगे इस परिभाषा में एक शब्द है प्रोफेशनल यानी कि हम उसका प्रोफेशनल इस्तेमाल जब करते हैं या उसको प्रोफेशनल तरीके से हम अप्लाई करते हैं उसको व्यवहार में लाते हैं तो इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है जब हम उसका प्रोफेशनल उपयोग करते हैं और उस उपयोग के द्वारा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि किस प्रकार से हम मानव व्यवहार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं जो उनकी परेशानियां हैं या उससे जुड़े हुए जो भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं किस प्रकार से हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं उसके लिए हम एक सॉल्यूशन खोज सकते हैं और किस प्रकार से हम उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकते हैं यानी उसको बेहतर बना सकते हैं तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक मनोविज्ञान की परिभाषा है वो अगर हम उसको दोबारा से इन्हीं शब्दों में फिर से रखने का प्रयास करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान में हम अपनी जितनी भी हमारे पास मौजूदा मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है हमारे पास जो नॉलेज है जो थियोरीज हैं जो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सभी का जब हम इस्तेमाल करते हैं और उनका उपयोग करते हैं प्रोफेशनल तरीके से तो हम उस प्रोफेशनल तरीके से उपयोग करके हम इस प्रकार के जो भी नॉलेज हमारे पास उपलब्ध हैं उससे हम मानव जीवन को मानव व्यवहार से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको हम कोशिश करते हैं उनसे निजात पाने का या उनको दूर करने का या उनको कम करने का और साथ ही साथ जो मानव यानी ह्यूमन परफॉर्मेंस है वेरियस फील्ड्स में चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो या चाहे वो खुद की उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो उन सभी में उसको बेहतर बनाना यानी उनके उस ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना और उनकी समस्याओं को कम करना तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी है यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसमें हम मौजूदा ज्ञान को मौजूदा मनोवैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मानव का यानी ह्यूमन बींग्स का हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें उनका हम बेहतरीकरण कर सकें या उनकी समस्याओं को कम कर सकें इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान को मुख्यतः तीन स्तर पर अप्लाई किया जाता है यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि तीन स्तर पर इसका उपयोग होता है या इसका जो एप्लीकेशन है वो तीन स्तर पर किया जाता है उसमें जो पहला स्तर है वो है इंडिविजुअल लेवल यानी इंडिविजुअल लेवल पर हम इसको अप्लाई करते हैं और इंडिविजुअल लेवल से हमारा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति है एक व्यक्ति उसके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं चाहे वो उसके व्यवहार से संबंधित हो यानी उसकी जो भी उसके अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोई उसके मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई इशू है या उसकी जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इस प्रकार की जो भी उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं कह लें या उसका व्यवहार कह लें उन सभी से जुड़ा हुआ जब भी हम कोई भी वहाँ पर मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं या मनोवैज्ञानिक जो हमारे पास जो विधियाँ हैं या चाहे है हमारे पास जो सिद्धांत हैं जब हम उन उनका इस्तेमाल करते हैं मनुष्य की बेहतरी के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे यानी पर्सन टू पर्सन तब हम उसको कहते हैं कि हम मनोविज्ञान का जो एप्लीकेशन है वो इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं इसके बाद जो दूसरा स्तर है जहाँ पर कि हम मनोवैज्ञानिक जो हमारे जो ज्ञान है या जो सिद्धांत हैं उसका हम इस्तेमाल या उसका उपयोग हम संगठनात्मक स्तर पर या समूह के स्तर पर करते हैं यानी कि अगर हम संगठन के रूप में लें तो हम एक इंडस्ट्री को एक कंपनी को या इस तरह के जो संगठन जहाँ पर बहुत सारे लोग एक एक साथ आकर काम करते हैं इस प्रकार की जो व्यवस्था है वहाँ पर जब हम मनोवैज्ञानिक शोध या मनोवैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं उसकी बेहतरी के लिए उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तो इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर उसको अप्लाई करते हैं इसके बाद जो तीसरा इसी से जुड़ा हुआ एक और जो मनोविज्ञान का जो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी का जो एक और स्तर है वो है समाज यानी कि सोसाइटी के लेवल पर जब हम इसको ब्रॉडर लेवल पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज को हम एक बेहतर स्थान बना सकते हैं किस प्रकार से हमारे समाज में हम अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके उपयोग करके किस प्रकार से हम उसको और बेहतर बनाएं या वहाँ पर हम जो ओवरऑल जो समस्याएं हैं किस प्रकार से उनको हम एड्रेस करें ताकि हम उन समस्याओं से निकल कर एक बेहतर हमारे लिए एक लिविंग सोसाइटी तैयार कर सकें जहां पर कि सभी लोगों को उचित अवसर मिले वहां पर उचित उनको आ, हर प्रकार का जो भी सुविधाएं हैं या चाहे उनको जो एक बेहतर व्यक्ति बनने में जिस प्रकार की भी जो ज़रूरतें हैं वो सभी उस समाज में उनके लिए उपलब्ध हों और उदाहरण के लिए एक दो क्षेत्र का मैं यहाँ पर नाम लूँगा जैसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं यानी पर्यावरण मनोविज्ञान और इसी प्रकार से जब हम ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ या एक बेटर हेल्थ फॉर द सोसाइटी की जब हम बात करते हैं जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति वो मानसिक रूप से स्वस्थ हों उनका एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग की हम बात करते हैं यानी उनका जो मनोवैज्ञानिक जो उनका जो भाव है वो एक बेहतर दिशा में हो और वो सभी अपने जीवन में अपने जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो भी उनके उद्देश्य हैं उनको वो एक बेहतर ढंग से एक अच्छी अवस्था में हम कह सकते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए वो योग्य बने और साथ ही साथ वो अपने जीवन को एक अच्छे वे में एक पॉजिटिव वे में उसको निर्वहन कर सकें तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसका जो तीन प्रकार या तीन स्तर पर जब हम इसका उपयोग करते हैं या उसकी जो ज्ञान है उसका जब हम एप्लीकेशन तीन लेवल पर करते हैं जैसे पहला लेवल जो हमने यहाँ चर्चा की इंडिविजुअल लेवल है दूसरा लेवल जिसकी हमने चर्चा की वो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल या ग्रुप लेवल पर तीसरी जो हम जहाँ जिस लेवल पर अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल नॉलेज को वो स्तर है सोसाइटी के लेवल पर यानी ब्रॉड लेवल पर जब हम उसको अप्लाई करते हैं इसके बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज के अपने इस सत्र में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारिक मनोविज्ञान की, मनो की लोकप्रियता के मुख्य कारण क्या हैं और क्यों व्यवहारिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र उभर कर आया जो कि जिसमें लोगों की रुचि हुई और ज्यादा से ज्यादा इसमें व्यक्ति इसको इसका अध्ययन करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस इस व्यवहारिक मनोविज्ञान का जो ये कोर्स है या इसकी जो स्टडी है उसमें वो दिलचस्पी लेते हैं यानी वो इसकी लोकप्रियता से प्रभावित होते हैं तो इसके कुछ प्रमुख जो कारण हैं उनकी हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे आपके लिए जो इसका प्रथम सबसे पहला जो कारण है या यूँ यूँ हम इसको ये कह सकते हैं कि जो पहला इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है वो है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन से हमारे जो भी छात्र इसको पढ़ते हैं या जो भी इसको अडॉप्ट करते हैं अपने कोर्स में उनके जो ओवरऑल रेंज ऑफ स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं वो कई दिशा में यानी कि बहुआयामी स्किल्स उनके अंदर आ जाती हैं और इस वजह से जो ओवरऑल उनका जो एक स्टूडेंट के तौर पे जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और भविष्य में आगे चल करके वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट यानी एक साइकोलॉजिस्ट भी बनते हैं या उनके पास ये बनने की पूर, पूरी ऑपरचुनिटी होती है इसलिए एक हम कह सकते हैं एचआर मैनेजर के तौर पर या एक काउंसलर के तौर पर या एक थेरेपिस्ट के तौर पर और इस प्रकार से चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर और इस प्रकार की या एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के तौर पर तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रेंज ऑफ स्किल्स हैं वो व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं तो उनकी जो रेंज ऑफ स्किल्स हैं वो बहुत ब्रॉड हो जाती हैं और वो आगे चल करके इन इन इनमें से जिस भी अपने जिसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं उस क्षेत्र में वो आगे चल करके उसमें एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित हो सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मनोविज्ञान की लोकप्रियता का यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान की हम यहाँ मुख्यतः बात कर रहे हैं तो जो दूसरा एक और मुख्य हम कह सकते हैं कारण कह लें उसको या एक वजह है जो व्यवहारिक मनोविज्ञान को लोकप्रिय बनाती है छात्रों के बीच में जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन करके सभी छात्रों को जो इस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं या जो इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उनके पास ये अवसर होता है कि वो खुद को एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित कर सकें यानी कि वो एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या एक ट्रेंड एक्सपर्ट उस क्षेत्र में बन सकते हैं और इसमें आगे चल करके वो बेहतर कार्य भी कर सकते हैं और वो इससे अपनी जो उनका ओवरऑल जो प्रोफेशन है यानी जो उनका व्यवसाय है उस क्षेत्र में भी वो बहुत आगे जा सकते हैं तो इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन से वो इसको एक विषय के तौर पर लोकप्रिय बनाती है साथ ही साथ इन सभी खूबियों के अलावा जो एक बहुत बड़ी खूबी है व्यवहारिक मनोविज्ञान की कि वो जब आप इस कोर्स का अध्ययन करते हैं या इस क्षेत्र में जब आप एक प्रोफेशनल के तौर पर खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ही उसके साथ ही साथ कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत से विद्यार्थी या छात्र जो कि प्रोफेशनली कई बार उस इस क्षेत्र में बहुत आगे नहीं जाते क्योंकि वो किसी और विषय में या किसी और क्षेत्र में वो अपनी रुचि के अनुसार कई बार वो दूसरे विषय में चले जाते हैं परंतु उसके बावजूद जो उनके अनुभव या जो उनकी ओवरऑल जब उनके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया गया है तो उनका ये मानना रहता है कि उनके ओवरऑल जीवन में यानी कि उनके पूरे जीवन में मनोविज्ञान का जो अध्ययन उन्होंने किया खास करके व्यवहारिक मनोविज्ञान के स्तर पर जो अध्ययन उन्होंने किया जो विषय उन्होंने उसको उसका अध्ययन किया उसकी वजह से उन्हें एक बहुत बेहतर यानी कि खुद के जीवन में उसको बेहतर बनाने में उनको बड़ा सहयोग उससे मिला यानी पर्सनल लेवल पे एज एन इंडिविजुअल उनको ग्रो करने का मौका मिलता है और साथ ही साथ खुद को एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर बनाना खुद को बेहतर तरीके से समझना और साथ ही साथ एक सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने में ताकि क्योंकि यहाँ पर उनके पास एक बेहतर समझ है कि किस प्रकार से वो जो मनोवैज्ञानिक नॉलेज है जो ज्ञान है उसका वो उपयोग कर सकते हैं सोसाइटी के लेवल पे यानी कि एक ऐसे स्तर पे जहाँ पर कि वो दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझते हैं उनकी समस्याओं को समझते हैं खुद के जीवन में भी वो एक बेहतर समझ बना पाते हैं कि उनके जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनके क्या कारण हैं किस प्रकार से वो उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं किस प्रकार से वो अपने जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से उनके साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं तो इस प्रकार से एक इंडिविजुअल के लेवल पर एक फैमिली पर्सन के लेवल पर सोसाइटी में एक व्यक्ति के रूप में इन सभी स्तर पर एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है जो ग्रोथ होता है उसमें भी जो व्यवहारिक मनोविज्ञान का जो अध्ययन है या जो उसकी नॉलेज है वो उसको सहायक होती है इसलिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्षेत्र को इसलिए भी बहुत अधिक पसंद करते हैं या इसका अध्ययन करना चाहते हैं क्योंकि ये उनके इन सभी जो, जो 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 मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनल लेवल की जो ग्रोथ है और साथ ही साथ दूसरों से किस प्रकार से उनको इंटरेक्ट करना है या सोशल लेवल पर यानी सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से उनको दूसरों को बेहतर तरीके से समझना है और खुद को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है इस प्रकार की या अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से वो यदि व्यवहार करें तो उनके लिए लाभप्रद होगा तो इस प्रकार की जितनी भी समझ है वो विकसित होती है और इस कारण से जो छात्र हैं उनकी रुचि इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है इसके अलावा जो ये सभी अपने बातें की ये इस तरफ जो सभी बातें हमने अभी तक की वो इस तरफ भी इशारा करती हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों के लिए बहुत अधिक अवसर होते हैं व्यवसाय के यानी कि उनको रोजगार पाने के यानी एम्प्लॉयड होने के उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है चाहे हम बात कर लें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की चाहे हम बात कर लें हेल्थ प्रोफेशन की चाहे हम बात करें स्कूल uh, लेवल की यानी एजुकेशन के स्तर पर चाहे हम बात करें काउंसलिंग uh, के लेवल पर या गाइडेंस के लेवल पर तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आ, मनोविज्ञान के जो छात्र हैं खासकर मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का जो अध्ययन कर रहे हैं या जो मनोविज्ञान को अप्लाई करना चाहते हैं रियल लाइफ में उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आ, अपने जीवन में जिनको कि वो जिनमें वो रोज़गार के अवसर देख सकते हैं या वहाँ पर वो रोज़गार के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो इस प्रकार की जो ओवरऑल जो ऑपरचुनिटीज़ अवेलेबल हैं इस फील्ड में यानी अप्लाइड साइकोलॉजी की फील्ड में जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो इसको और अधिक लोकप्रिय बनाती है साथ ही साथ एक सर्वे जो उसकी एक रिपोर्ट का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा आपके सामने उसमें ये एक अमेरिकन सर्वे था और वहाँ के जो एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में रेनाउंड है ए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसके द्वारा यह कराया गया था और इसकी एक रिपोर्ट में जो कहा गया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें बताया गया कि साइकोलॉजिकल साइंस इज लीडिंग टू इंटरवेंशंस दैट आर एनहांसिंग पीपल्स लाइफ्स इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज वेदर इट्स बूस्टिंग एजुकेशनल परफॉर्मेंस रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग इंप्रूविंग वर्क लाइफ और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी मोर यूजर फ्रेंडली ऑल द वाइल अ स्ट्रांग साइकोलॉजी एजुकेशन पाइपलाइन इज क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट टू कंटिन्यू दैट वर्क एंड पॉपुलेशन प्राइम टू अंडरस्टैंड इट और इस पूरी अगर हम इसकी रिपोर्ट की एक समझ बनाने का अगर यहां पर हम प्रयास करें जैसा इसमें स्पष्ट इस रूप से कहा गया है कि मनोविज्ञान या जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो हम शिक्षा जगत की बात करें यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने से लेकर के जो ड्राइविंग इवन जो हमारी रोजमर्रा की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यानी ड्राइविंग उससे रिलेटेड जो हमारी जो समस्याएं हैं जिसमें डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग यानी मोबाइल वगैरह का जो हम यूज़ की बात करते हैं कि ड्राइविंग के समय में जो मोबाइल यूज़ होता है या और भी अन्य प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको किस प्रकार से कम करना है यहाँ तक के स्तर पर मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है या साइकोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल होता है उसका एप्लीकेशन होता है उसके अलावा ओवरऑल वर्क लाइफ को बेहतर बनाने में या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो कंज्यूमर साइकोलॉजी की जब हम बात करें या एडवरटाइजिंग की बात करें उसके मदद से उसकी सहायता से हम ओवरऑल जो सर्विसेज़ हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको और बेहतर बनाते हैं उनको और बेहतर तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार की जो एक पूरी व्यवस्था जो बन रही है जिसमें मनोविज्ञान सहायक हो रहा है या मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है वो किस प्रकार से इस इन सभी क्षेत्रों में योगदान दे रहा है उसके साथ ही साथ ये एक बहुत ही मज़बूत एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहा है जो ये पूरा मनोविज्ञानिक जो जो क्षेत्र है ये या इसका जो अध्ययन है वो एक इस प्रकार की जनरेशन को तैयार कर रहा है जो ये बेहतर समझ रखती है कि किस प्रकार से मनोविज्ञान जो उसकी उपयोगिता है और उसको समझने की उसके अंदर एक पूर्व से एक क्षमता मौजूद है यानी एक ऐसी जनरेशन आ रही है जो मनोविज्ञान के महत्व को समझती भी है उसको किस प्रकार से जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है वो उस उसके पास वो ज्ञान भी है और उसके अंदर एक क्षमता है ये इनबिल्ट कैपेसिटी अब उसके अंदर आ रही है कि वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल या मनोविज्ञान का उपयोग जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है किस प्रकार से अपनी लाइफ को एनहांस किया जा सकता है इसके लिए भी वो मनोविज्ञान का जो उपयोग है उसको करने में वो, वो उनकी दक्षता पाई जा रही है यानी वो जो पॉपुलेशन है जो अपकमिंग जनरेशन है उसके अंदर साइकोलॉजी को लेकर के या इस विषय वस्तु को लेकर के उनके अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही अधिक है इसके बाद एक और सर्वे इसी प्रकार से कराया गया था जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा और वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट है इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी तो अप्लाइड साइकोलॉजी के फील्ड में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है उसका जो एस्टिमेशन किया गया था और वो सर्वे काफ़ी पहले हुआ था उसमें ये देखा गया उस सर्वे में कि 2007 से लेकर के 2024 तक एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें ये एस्टिमेट लगाया गया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉरचुनिटीज जो आएंगी विभिन्न क्षेत्रों में उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉरचुनिटीज़ का जो ग्रोथ देखा जा रहा था वो था मनोविज्ञान यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में और वो 19 प्रतिशत यानी 19 परसेंट पाया गया उस एस्टिमेशन में और साथ ही साथ जो ओवरऑल अदर जो जॉब्स थी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी उनमें सभी और विषयों का या और अन्य क्षेत्रों में उसमें जो विकास की दर थी उसका जो अनुमान लगाया गया था वो सात प्रतिशत के आसपास लगाया गया था तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो एस्टिमेशन किया गया था 2007 से 2024 के बीच में वो 19 प्रतिशत था और अन्य क्षेत्रों में वही जो एस्टिमेशन था वो 7 प्रतिशत था तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान हमारे पास बेहतर रोजगार के विकल्प के तौर पर हमको ये हमारे पास बेहतर रोजगार के विकल्प हमें देता है इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारिक मनोविज्ञान की जो प्रकृति है जो नेचर है वो कैसा है यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी का जो नेचर है वो किस प्रकार से है और यहाँ पर जब हम आ, नेचर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये एक समझ बनानी हमारे लिए आवश्यक है कि किस प्रकार से जो जनरल साइकोलॉजी है यानी कि जैसे अभी आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि इस सत्र के दौरान भी कई बार बोलते हुए या कई बार अपने इस सत्र में मैंने व्यवहारिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान को एक ऐसे इंटरचेंज मैंने व्यवहारिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान को इंटरचेंजेबली यूज़ किया यानी कि कई बार जहां मुझे व्यवहारिक मनोविज्ञान बोलना था वहां पर केवल मैंने मनोविज्ञान का उपयोग कर दिया मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया तो इसका ये एक प्रमुख कारण ये है कि ये दोनों मूलतः हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनमें भिन्नता नहीं है और जनरल साइकोलॉजी जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है यानी जो ब्रॉडर फील्ड है वो उसको दर्शाता है और अप्लाइड साइकोलॉजी उसका एक पार्ट है यानी कि साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला है और उसका एक पार्ट ये अप्लाइड साइकोलॉजी है और इसीलिए हमें इसमें भिन्नता करने से ज़्यादा हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो दोनों का अप्रोच है वो क्या है क्योंकि मूलतः दोनों एक ही विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं बस जो मुख्य अंतर यहाँ पर है वो है पर्सपेक्टिव का यानी कि जो अप्लाइड साइकोलॉजी का जो मोटिव है जो एम है वो थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा है यानी किस प्रकार से हम जो भी हमने आज तक जो ज्ञान अर्जित किया है या चाहे जितनी भी थियोरीज हमने डेवलप की हैं या जो भी प्रिंसिपल्स हमने साइकोलॉजी की फील्ड में डेवलप किए हैं उन सभी को जब हम अप्लाई करते हैं यानी कि ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए ह्यूमन परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने के लिए जब इन सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं तब वो व्यवहारिक मनोविज्ञान बन जाता है और ये इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है और भिन्नता भी यहीं पर हमें मिलेगी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान में हमारा ज़्यादातर फोकस उसके एप्लीकेशन पर रहता है और हम यहाँ पर किसी एक विषय वस्तु यानी मनोविज्ञान के ही जो और उसके प्रश्न हैं या जो उसके बहुत सारे जो रिसर्च इश्यूज़ हैं वहाँ हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता क्योंकि वो एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है और वहाँ से अपना ध्यान हम केवल किस प्रकार से हम मौजूदा जो नॉलेज है उसका उपयोग करके हम किस तरह से ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाएं किस तरह से हम जो समस्याएं हैं उनको कम करें चाहे वो बिहेवियर से संबंधित हों या चाहे हमारे प्रोफेशन से संबंधित हों उन समस्याओं को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं या कम करें इस पर हमारा फोकस होता है तो इसके बाद जो दूसरा हमारे पास एक और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और हमारे पास एक चर्चा का विषय है और वो ये है कि क्या अप्लाइड साइकोलॉजी में और जो मनोविज्ञान के अन्य शाखाएं हैं जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बोलें तो चाहे वो सोशल साइकोलॉजी हो चाहे वो पर्सनालिटी साइकोलॉजी हो चाहे वो इमोशन की बात हम करें या हम लर्निंग की बात करें तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो साइकोलॉजी की जो इस प्रकार की जो ब्रांचेज़ हैं अदर ब्रांचेज हैं क्या वो अप्लाइड साइकोलॉजी से अलग हैं यानी कि क्या अप्लाइड साइकोलॉजी मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं से अलग है या उन्हीं से मिलती जुलती या उन्हीं की ये एक प्रकार से उनके साथ मिलकर ये ब्रांच काम करती है तो यहां पर फिर से जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है वहां पर वी आर ओनली कंसर्नड विद अप्लाइड आस्पेक्ट यानी कि हम केवल उसकी एप्लीकेशन पर हमारा जोर होता है या उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है जबकि जब अन्य शाखाओं की हम बात करते हैं मनोविज्ञान की अगर हम उदाहरण के लिए सोशल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल ले लें या एजुकेशनल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल ले लें तो इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी जो परफॉर्मेंस है या चाहे जो व्यवहार है उसकी हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग यानी सोशल अगर साइकोलॉजी की बात करें तो सोशल पर्सपेक्टिव में किस प्रकार से इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं उसके पीछे क्या कारण है यानी कि जो हम प्रश्न क्या जो प्रश्न है हमारे पास कि क्यों और क्या जो हुआ वो क्यों हुआ और जो हो रहा है जो उसका क्या कारण रहा तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो केंद्र में होते हैं जब हम अदर uh, ब्रांचेस की जैसे अभी हमारे उदाहरण में सोशल साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच में हमारे जो मुख्य प्रश्न हैं या मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पर हमारा रहता है परंतु अप्लाइड साइकोलॉजी में वही हमारा जो मुख्य बिंदु है या जो हमारा ध्यान है वो इस ओर होता है कि जो सोशल लाइफ में या सोशल आस्पेक्ट में जो समस्याएं हैं जो दिक्कतें हैं जो कुछ भी एबनॉर्मैलिटी है उसको हम किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं किस प्रकार से हम उसको कम कर सकते हैं तो ये जब हमारा पर्सपेक्टिव होता है तो वो अप्लाइड पर्सपेक्टिव हो जाता है यानी कि सोशल साइकोलॉजी की जब हम अध्ययन करेंगे या जब उसकी बात करेंगे तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो हमारा उस क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठा करना अधिक से अधिक उस क्षेत्र में शोध करना ताकि हम उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकें उसके बारे में ऐसे सिद्धांत हम प्रतिपादित कर सकें ऐसे स्था, ऐसे प्रिंसिपल्स हम बना सकें जो हमें उसकी एक बेहतर समझ रखने में सहायक होंगे जबकि हम अप्लाइड एस्पेक्ट की जब बात करते हैं तो वो हमारे उन क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं किस प्रकार से उनको हम कम कर सकते हैं जब हमारा फोकस इधर होता है तो वो अप्लाइड एस्पेक्ट बन जाता है इसी के साथ जो एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए समझने का जो यहाँ पर ज़रूरी होता है और वो है व्यवहारिक मनोविज्ञान को साइकोलॉजी यानी जो छद्म मनोविज्ञान है उससे हमें इसको अंतर करना है यानी कि हमें यहाँ पर एक विशेष रूप से ये ध्यान रखना है एक मनोविज्ञान के छात्र मनोविज्ञान के छात्र होने के आ, साथ साथ ये जिम्मेदारी है आपके पास हमारे पास सभी के पास कि हम ये समझें कि जो साइकोलॉजी है यानी कि कई बार जो लोग प्रटेंड करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं या वो साइकोलॉजिकल नॉलेज रखते हैं या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने कार्य को जो कि वास्तव में उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता और वो किसी भी प्रकार से वो प्रूव नहीं होता ना ही उन स्टडीज़ को कहीं किया जाता है ना ही उनको रेप्लिकेट किया जाता है ना ही जो उनका जो हम कह सकते हैं जो बेसिक है वो किसी भी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित नहीं होता परंतु इसके बावजूद वो ये क्लेम करते हैं कि जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं या जो बात वो बता रहे हैं वो मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान की विषय वस्तु है और इसलिए वो कई बार अपने इस जो ओवरऑल वो जो क्लेम करते हैं उसमें वो खुद को अप्लाइड साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा वो क्लेम करते हैं साथ ही साथ कुछ इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार से जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है जो कि जिसका बेस बेस जो है वो साइंटिफिक है और वो पूरी तरह से उस नॉलेज का उपयोग करता है जो हमें साइकोलॉजिकल जो स्टडीज से या रिसर्चेस के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है जो कंट्रोल्ड सेटिंग में की जाती हैं जिनका हम एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उनको हम रेप्लिकेट करते हैं और हम उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी सभी पर हम बेहतर तरीके से उसकी उसका शोध करते हैं और उसको स्टेब्लिश करते हैं उन सभी के द्वारा जो अर्जित हमारा ज्ञान है उसको जब हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाइड साइकोलॉजी और जो दूसरे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्यूडो साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि दे आर ऑल्सो डूइंग साइकोलॉजी तो इसका जो एक प्रमुख जो देखा गया है और ये आज के समय में इस पर बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि क्लैरिटी आ चुकी है अभी भी हालांकि आप कभी कभी ये पाएंगे या देखेंगे चाहे वो किसी पर्टिकुलर मैगज़ीन में या कभी अखबार वगैरह में या कभी इस तरह के टीवी शोज़ में या कहीं पर भी आप इस प्रकार की जो अभी भी आप देख पाएंगे जिनका मैं आपसे अभी यहाँ ज़िक्र करूँगा चाहे जय उसमें फ्रेनोलॉजी एक प्रकार का सूडो साइकोलॉजी का जो क्लेम करते हैं साथ ही साथ ग्राफोलॉजी और माइंड रीडिंग इस प्रकार की जो जो प्रैक्टिसज़ हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर अभी एक चर्चा करेंगे ताकि आप ये समझ सकें और आप ये ओवरऑल एक अपने दिमाग में इस चीज़ को आप आगे जब कभी आप इस प्रकार की किसी स्यूडो साइकोलॉजी से आपका वास्ता हो या जब आप उसको फेस करें तो आप उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ और खुद ये समझने में सक्षम हो कि किस प्रकार से साइकोलॉजी का जो आधार है वो साइंटिफिक नहीं है और जो रियल साइकोलॉजी जिस पर बेस्ड अप्लाइड साइकोलॉजी जब हम उसकी बात करते हैं तो वो किस प्रकार से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड है तो इसमें जो फ्रेनोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः मैं आपको बताऊँ कि फ्रेनोलॉजी में हमारे यानी कि जो मस्तिष्क है यानी जो हमारा ब्रेन है उसका जो ये स्कल है तो खोपड़ी जिसको हम कहते हैं उसके जो साइज़ है उसके आधार पर इसमें बहुत प्रयास किया जाता है ये बताने का कि कोई व्यक्ति कैसा होगा उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी और उसके अलावा वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा या किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा या किस प्रकार से बिहेव करेगा इस प्रकार की जो ओवरऑल एक, एक प्रयास किया जाता है फ्रोनोलॉजी के द्वारा उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और उसमें हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की जो क्लेम्स होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल केसेस के आधार पर बनाए जाते हैं यानी कि किसी एक मशहूर व्यक्ति को वो ले लेते हैं चाहे वो पॉजिटिवली मशहूर हो या नेगेटिवली जैसे इस उदाहरण में अगर हम एक पॉजिटिव केस लें तो हम किसी एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट या डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल ले लें जहाँ पर हम उसके जो कपाल है यानी कि जो उसका खोपड़ी है जो उसके साइज़ को देखते हुए हम ये कहेंगे कि अगर उसका सामने का जो भाग है वो काफ़ी चौड़ा है काफ़ी बड़ा भाग है तो हम ऐसे में ये कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है उसके सक्सेसफुल होने के नॉलेजेबल होने के इंटेलिजेंट होने के और उसके अपने प्रोफेशन में एक बेहतर मतलब कार्य करने के उसकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं या इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वो एक बेहतर प्रोफेशनल होगा एक बेहतर नॉलेजेबल uh, आदमी होगा इस प्रकार की जो एजम्पन्स हम करते हैं इस पर आधारित होकर वो केवल सिंगल केसेस पर आधारित होती हैं इसी प्रकार से अगर हम एक नेगेटिव एग्जाम्पल लें इसका तो हम ये देखेंगे कि कभी ग्राफोलॉजी में इस तरह की बात की जाती है या फ्रेनोलॉजी में भी इस तरह की बात की जाती है कि कोई एक क्रिमिनल व्यक्ति है जिसने कोई क्राइम uh, किया है कोई ऐसा क्राइम किया है जो कि बहुत ही नोटोरियस क्राइम है और उस व्यक्ति के फेस को लेकर के उसके स्कल साइज को लेकर के हम किसी प्रकार की प्रडिक्शन्स अगर करते हैं तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो प्रडिक्शंस हैं चाहे वो पॉजिटिव केस की हों या नेगेटिव केस की हों वो सभी कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट होता है और वो इंडिविजुअल केस के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं और जब हम उनको जनरलाइज करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन पर तो वो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक गलती हम वहाँ कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई आधार नहीं है कोई साइंटिफिक बेस नहीं है जिसके तहत हम इसको प्रूफ कर सकें और हम ये मान सकें कि जो फ्रेनोलॉजी के द्वारा जो क्लेम्स किए जाते हैं वो किसी भी तरह से सही हैं यानी उनका कोई वैज्ञानिक आधार है तो इसके किसी भी प्रकार से कोई वैज्ञानिक आधार होने के कोई तथ्य मौजूद नहीं है दूसरा जब हम ग्राफोलॉजी की बात करते हैं तो ग्राफोलॉजी भी एक प्रकार का स्यूडो साइकोलॉजी है जिसमें हैंड राइटिंग को देख करके और किस प्रकार के जो लेटर्स जो व्यक्ति लिखता है या बनाता है अपनी हैंड राइटिंग में उसमें उनकी साइज़ और शेप को देख करके जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो ग्राफोलॉजी में अक्सर ये वो बताएंगे या ये प्रयास किया जाता है कि अगर कोई टी बना रहा है तो टी में वो जो इंटरसेक्शन वाली जो ये लाइन है यदि ये पूर्ण रूप से आधा आधा अगर दोनों तरफ बटी हुई है तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो चीज़ों को बड़े ध्यान से करते हैं और वो अपने जो भी कार्य हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं और इसी प्रकार से आई को भी लेकर के वो ये बताते हैं कि जो उसके ऊपर का जो डॉट लगाया जाता है जब वो उसके ठीक एग्जैक्टली जो लोग ऊपर लगाते हैं उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान से हर कार्य को करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं और यही यदि वो व्यक्ति ऐसा ना लिख करके किसी स्टाइल से अगर टी बना रहा है या आई के साथ वो थोड़ा सा डिविएट होकर के अगर वो बना रहा है तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा केयरलेस होगा वो अपना सेल्फ स्टाइल्ड व्यक्ति होगा तो इस प्रकार की जो एजम्पशंस हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि इस प्रकार की जो साइंस का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है इसमें जो कि ग्राफोलॉजी का हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इस प्रकार की जो भी जो भी चर्चाएँ या इस प्रकार के जो भी कभी आपको इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन से आपका सामना होता है तो वहाँ पर आपको ये समझना है कि किस प्रकार से ये विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस ये सारी बातचीत की जा रही है इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और वो ये है कि एक बार एक टीवी शो में बहुत ही खुद को एक क्लेम करना कि वो एक बहुत बेहतर समझ रखते हैं ग्राफोलॉजी की और उनके पास इसको इस्तेमाल करके वो किसी व्यक्ति के बारे में उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका फ्यूचर उसका बिहेवियर तो इस प्रकार का एक शो जिसमें एक व्यक्ति ने इस तरह के व्यक्ति ने जो खुद को ये एक्सपर्ट क्लेम कर रहा है वो आता है और वो वहाँ पर उस देश के प्रेसिडेंट का वो हस्ताक्षर लेकर के उसका वहाँ पर वो एनालिसिस करता है और बताता है कि किस प्रकार से उनके हैंडराइटिंग यानी उनके सिग्नेचर को वो लेकर वहाँ एनालिसिस करके दिखाता है और उस एनालिसिस के द्वारा वो वहाँ पर ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि जो उसकी नॉलेज है या जो उसका एक्सपर्टीज़ है वो कितना सटीक है और किस तरह से उसने उस सिग्नेचर को देख करके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर को देख करके ये प्रिडिक्ट किया कि वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति का सिग्नेचर है और सक्सेसफुल व्यक्ति इस तरह से साइन करते हैं या इस तरह की हैंडराइटिंग उनकी होती है जो कि इस तरह के एग्जाम्पल में यदि आप थोड़ा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इसको अगर इस पर क्वेश्चन करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं या जो भी आप बता रहे हैं वो आप एक ऐसे व्यक्ति के बता बारे में बता रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं और जिनका फ्यूचर या जिनका पास्ट बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है सभी के लिए लेकिन यदि इसी प्रकार के व्यक्ति जो खुद को एक्सपर्ट क्लेम करते हैं उनसे आप ये सवाल करें कि क्या आप एक अननोन व्यक्ति जिसके जिसको कोई नहीं जानता क्या उसके सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को देख करके क्या उसके बारे में आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और यदि वो कर सकते हैं तब तो हम ये मानेंगे कि उनके पास ज़रूर कोई ना कोई आधार होगा कोई ना कोई उनके पास बेसिस होगा ये कहने का कि वो इसके आधार पर व्यक्ति के बारे में उसके व्यवहार के बारे में कुछ बता पाएंगे परंतु इसका उत्तर आप स्वतः समझते हैं कि उसका उत्तर हमेशा ना में ही आएगा क्योंकि इस प्रकार की कोई भी हमारे पास साइंटिफिक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो इस तरह के क्लेम को हमें ये कहती हो कि ये क्लेम सही है तो इसी के साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि कुछ माइंड रीडिंग के क्लेम्स भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पर व्यक्ति ये कहता है जो सामने वाला व्यक्ति है जो खुद को एक्सपर्ट क्लेम करता है कि वो एक माइंड रीडर है और वो आपका मस्तिष्क पढ़ ले रहा है यानी आपके मन में आने वाले विचारों को पढ़ ले रहा है और वो उसके बाद ये बता पाने की स्थिति में होता है कि आप क्या सोच रहे थे या आपके दिमाग में क्या चल रहा था कौन से विचार आ रहे थे तो इस प्रकार की भी क्लेम्स अक्सर आते रहते हैं हालांकि ये सभी जो क्लेम्स हैं ये पूर्णतया इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ज़्यादातर इस तरह के जो केसेस हैं वो हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसका जो भी आधार वो उनके पास होता है वो इसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं होते दूसरा हिप्नोसिस को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो इस पूरी हिप्नोसिस की जो प्रक्रिया है उसको क्वेश्चनेबल बना देती हैं क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं जब वो कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जो अक्सर आम आदमी होता है वो उनसे ये अपेक्षा करता है या उनको इस प्रकार का एक एक चैलेंज देता है कि क्या आप मुझे हिप्नोटाइज कर सकते हैं या क्या आप मुझे हिप्नोटाइज कर देंगे तो इस प्रकार की जो ये आम बातचीत में हंसने हंसाने के लिए इस तरह की बातचीत की जा सकती है परंतु अगर इसको हम गंभीर रूप से समझें इसको हम साइंटिफिक वे में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो हिप्नोसिस का इस्तेमाल हिप्नोसिस एक प्रक्रिया के तौर पर इसका इस्तेमाल मनोविज्ञान में हुआ है परंतु उसकी कुछ शर्तें हैं उसको किए जाने के लिए कुछ एक्सपर्टीज की आवश्यकता है और उसको उसको एक कंट्रोल सेटिंग में किया जाता है और उसके द्वारा कुछ प्रकार की इंफॉर्मेशंस उस व्यक्ति से निकाली जाती हैं जो कि एक पूरी अपने आप में एक प्रक्रिया है लेकिन इसको लेकिन इसको इस प्रकार से क्लेम करना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी हिप्नोटाइज कर देगा और उसका इस्तेमाल करके वो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार कर सकता है या उससे किसी भी प्रकार का व्यवहार करा सकता है तो इस प्रकार की जो ओवरऑल जो कि अक्सर आपको मूवीज में या सीरियल्स में या कि इस तरह की चर्चाओं में कभी कभार कहानियों में मिलेगा उसका भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है तो अपनी इस चर्चा के बाद जहां हमने ये देखा और समझने का प्रयास किया कि व्यवहारिक मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो ठीक मनोविज्ञान की ही तरह साइंटिफिक बेसिस है और साथ ही साथ वो साइंटिफिक तरीकों से जो भी नॉलेज इकट्ठी की गई है एकत्रित की गई है जो सिद्धांत जो स्टैब्लिश किए गए हैं उन सभी का उपयोग किया जाता है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके वर्क लाइफ उनकी एजुकेशन लाइफ उनकी सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ हमने ये भी अभी अपनी चर्चा से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो स्यूडो साइकोलॉजी है उससे व्यवहारिक मनोविज्ञान किस प्रकार से भिन्न है और व्यवहारिक मनोविज्ञान इस प्रकार के दावों से हमेशा दूर रहा है और जो भी प्रैक्टिस अप्लाइड साइकोलॉजी में की जाती हैं जो भी इसमें जो दावा किया जाता है उसका एक साइंटिफिक बेसिस होता है और वो रिगरेस साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा उस प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है और उसका एक आधार होता है जो कि जिसका स्वरूप वैज्ञानिक है तो इस प्रकार से साइकोलॉजी से ये डिफरेंट होता है अब इसके बाद हम अपने आगे की जो चर्चा है उसमें बात करते हैं कि किस प्रकार से जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसका जो उदय हुआ या उसमें जो शुरुआती दौर रहा व्यवहारिक मनोविज्ञान का वो किस प्रकार से रहा इसमें हम देखते हैं जैसा इसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान में जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं या जो भी हम उसके द्वारा जो भी नॉलेज अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में उन सभी का एक साइंटिफिक बेसिस होता है जो कि इसके पूर्व में रिगरस uh, एक्सपेरिमेंट्स या कंट्रोल्ड सेटिंग्स में की गई स्टडीज़ के द्वारा इसको स्थापित किया जा चुका है और इस प्रकार की नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं इसके अलावा शुरुआती दौर में वैन हेल्मोल्ड्स एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जो कि जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक योगदान दिया और इन्होंने उस समय में एक ऐसी कहानी है जिसमें इनका एक कथन बड़ा ही मशहूर हुआ और आगे चल करके हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कथन कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक उसको गलत भी साबित किया गया क्योंकि वैनहल वैन हेलहोल्ड्स ने उस समय में एक बात जो कही थी वो ये थी कि उनका मानना था कि व्यवहारिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान कभी भी एक ट्रू साइंस के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि जो ट्रू साइंस हैं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है जो साइकोलॉजी का जो ओवरऑल जो विषय वस्तु है उसमें वो ट्रू साइंटिफिक वैल्यूज़ को कभी भी इंकल्केट नहीं किया जा सकेगा और ये ये बात हम ये मान सकते हैं कि ये उन्नीसवीं उन्नीसवीं सदी के अंत के समय के आसपास उन्होंने या मिड में उन्होंने ये बात इस तरह का विचार रखा था जो कि वो शुरुआती दौर था हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के भी एक विषय वस्तु के तौर पर उभरने का या मनोविज्ञान खुद में एक हम कह सकते हैं शुरुआती दौर में था जो कि अभी इनिशियली बस किसी तरह से उसका इस्टेब्लिशमेंट अभी शुरुआती दौर में था तो इस तरह की जो बातचीत है उस दौर में और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें ये समझना है यहाँ पर कि हेलमोल्ड्स का जो ये कथन था वो उस समय के हिसाब से हम देखें तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से ये कुछ हद तक सही जान पड़ता होगा परंतु आज हम ये देखते हैं कि परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और साइकोलॉजी में पूरी तरह से जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाते हैं और लैब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जहाँ पर हम बाकी सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ हम इसको इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको रियल लाइफ में जब अप्लाई करते हैं तो वो हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी वो कहलाता है और इसका जो बेसिस है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है तो साथ ही साथ उसी समय में इस दौर में आगे चल करके जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है उसका शुरुआती जो एप्लीकेशन का जो क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर ह्यूगो मंडस मंडसरबर्ग जो शुरुआती व्यवहारिक मनोविज्ञान का जो हम कह सकते हैं उदय हुआ यानी कि जो इसकी एप्लीकेशन साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशन की जो शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम उसका क्रेडिट डॉक्टर ह्यूगो मंडसरबर्ग को जाता है और उन्होंने और उनके अनुयायियों ने यानी उनके जो साथ जो उनके कार्य कर रहे थे उन्होंने मनोविज्ञान की जो भी उस समय उपलब्ध जितनी भी शोध थे जितनी भी नॉलेज थी उसका इस्तेमाल उन्होंने वोकेशनल और इंडस्ट्रियल गाइडेंस के तौर पर और एजुकेशनल गाइडेंस के फील्ड में भी उन्होंने इसको इस्तेमाल किया यानी कि साइकोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल उन्होंने किया ताकि वो लोगों को का बेहतर शिक्षा क्षेत्र कार्य क्षेत्र चुनने में उनको सहायता कर सकें उनकी मदद कर सकें तो इसका जो इनिशियल क्रेडिट है अप्लाइड साइकोलॉजी की फील्ड का जो स्टार्टिंग का जो क्रेडिट है वो ह्यूगो मंडसरबर्ग को जाता है इसके साथ ही साथ व्यवहारिक मनोवैज्ञानिकों का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है और ये आगे चल के और एक्सपेंड होता है जैसा कि हम देखते हैं और वो है चाहे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम बात करें चाहे हम आईविटनेस uh, टेस्टिमोनी की बात करें या चाहे हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात करें या हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करें इस प्रकार के चाहे काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करें तो इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इसके अलावा एक और यहाँ पर चर्चा यहाँ पर इसकी बनती है और वो ये है कि जो क्रिटिक्स हैं यानी जो आलोचक हैं वो कई बार अप्लाइड साइकोलॉजी की जो निर्भरता है उस पर यहाँ पर जो आलोचक हैं उनका ये मानना है कि अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो जिस डेटा पर रिलाई करती है यानी उसका जो निष्कर्ष जिस डेटा के आधार पर निकलता है वो कहीं ना कहीं उतना रिलायबल नहीं है और वो डेटा बहुत जटिल है यानी कि वो डेटा कॉम्प्लेक्स भी है और साथ ही साथ अनरिलायबल भी है तो इस प्रकार की जो क्रिटिक अक्सर की जाती है कि अप्लाइड साइकोलॉजी के जो कंक्लूजन्स हैं जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो जिस डेटा पर आधारित हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही अनरिलाइबल है तो हम यहाँ पर सभी छात्रों के लिए इस विषय वस्तु पर भी मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण विचार दूंगा ताकि आप इस प्रकार का जब भी प्रश्न कभी आपके सामने आए तो आप भी इसका एक बेहतर आपके पास उत्तर हो तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कभी भी इस प्रकार के जितने भी जो डेटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं जो मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमें, हमें हमेशा समझनी है कि ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसको लैब सेटिंग में करना और उसको कंट्रोल्ड वे में उसको प्रोड्यूस करना और उसको स्टडी करना ये वाकई में एक बहुत ही मुश्किल काम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कभी भी 100% परसेंट के साथ कर पाना बहुत मुश्किल है और इसको बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल जैसा भी है परंतु इसके बावजूद जो स्टडीज़ की जाती हैं जो एक्सपेरिमेंट्स uh, किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उनके अंदर हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है और जो ओवरऑल जो कंट्रोल है और जो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसका जो जनरलाइजेशन है उसकी जो ओवरऑल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है उन सभी को बहुत ही रिग्रस तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और इसी वजह से जो ओवरऑल फाइंडिंग है अप्लाइड साइकोलॉजी की जो इस डेटा पर आधारित है वो इसलिए इतनी विश्वसनीय होती है और जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं और जिस पर आधारित होकर के हम उस ज्ञान का इस्तेमाल ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने में कर सकते हैं तो क्रिटिक्स के इस पॉइंट को हमें ध्यान भी रखना है कि किस प्रकार से वो कार्य को जो जो डेटा है वो उसको हम और बेहतर बना सकते हैं या उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकते हैं या जो ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स हैं हम उनको किस प्रकार से रियल लाइफ सेटिंग से उनको जोड़ सकते हैं या उनको मैच कर सकते हैं यानी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में हम इकोलॉजिकल वैलिडिटी को बढ़ाने की बात कर सकते हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमें ये भी प्रयास करना है कि हमें इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो रियली really में साइंटिफिक उसका बेसिस है और वो जो उसकी नॉलेज बेस है वो प्योरली साइंटिफिक इन नेचर है इसके बाद व्यवहारिक मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं जिनका यहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी संगठनात्मक मनोविज्ञान और हम अपने इन इन जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात यहाँ अभी कर रहे हैं इनका हम आने वाले अपने जो सत्र हैं जो इसी कोर्स टाइटल में हम जिनका आगे हम जिसके बारे में हम आगे अपने सत्रों में चर्चाएं करेंगे इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हम अपनी चर्चाएं आगे भी करेंगे जो हम और विस्तार से जहां पर इसकी चर्चा करेंगे यहां पर केवल इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें दूसरा है कंज्यूमर साइकोलॉजी तीसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी उसके बाद फॉरेंसिक साइकोलॉजी देन एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेलकूद का मनोविज्ञान उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी जिसमें कि हम गाइडेंस की भी बात करते हैं साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का जो कि किसी बिहेवियरल प्रॉब्लम से उन उनको कोई समस्या हो इस तरह के लोगों को भी इस तरह की फील्ड में यानी इस क्षेत्र में उनके ऊपर भी कार्य किया जाता है और साथ ही साथ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हालांकि ये जो कुछ क्षेत्र यहाँ पर जिनका मैंने आपसे चर्चा की इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के जैसे आजकल कुछ उभरते हुए क्षेत्र हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी मिलिट्री साइकोलॉजी तो इस प्रकार की भी बहुत सारी फील्ड्स हैं तो ओवरऑल साइकोलॉजी का हम कह सकते हैं जहाँ भी ह्यूमन बिहेवियर जहाँ पर भी इन्वॉल्व है जहाँ पर भी ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है वहाँ सभी जगह मनोविज्ञान की एप्लीकेशन संभव है और वहाँ पर हम अप्लाइड साइकोलॉजी का स्कोप वहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से जो आज पूरी चर्चाएं हमने की इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जो एक महत्वपूर्ण ब्रांच है दैट इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान वो एक महत्वपूर्ण ब्रांच है और इसका ओवरऑल स्कोप इसका इसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है और इसका अध्ययन करने वाले छात्रों की जो स्किल रेंज है वो भी बहुत वाइड है और एक विषय के तौर पर जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और साथ ही साथ ये रियल लाइफ में हमें चाहे वो इंडिविजुअल के लेवल पर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर चाहे वो सोसाइटी के लेवल पर हर स्तर पर ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है तो इसलिए अप्लाइड साइकोलॉजी का जो ये कोर्स है जिसका ये पहला सत्र था और इसी के आगे आने वाले जो सत्र होंगे हम इन्हीं की जो कार्य क्षेत्र हैं उनकी और विस्तृत चर्चाएँ करेंगे तो आज के अपने इस सत्र को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी को मेरा धन्यवाद